Assalamualaikum. Hi guys, this is Gule Zahra and you are watching Gul Cooking. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज मैं जो चीज़ आपके लिए शेयर कर रही हूँ वो ख़ुसूसन बच्चों बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं आज जो है वो गमी कैंडी बनाने लगी हूँ, यानी जेली बनाने लगी हूँ। अब मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे जेलेटिन मैंने ली है। जेलेटिन जो है ये सुपर स्टोर में आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, और आपने ये देखना कि ये हलाल होनी चाहिए। दूसरा, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में मैंने एक कप जो है वो शुगर ली है और साथ में जो है वो ग्रीन फूड कलर ली है और जो है वो खुशबू के लिए मैंने कार्डमम एसेंस लिए, यानी छोटी इलायची का एसेंस जो है वो बना हुआ है। आप यहाँ पे कोई फ्रूट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बनाना यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आपके सामने मैंने हाफ कप जो है मैंने वाटर ली है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जेलेटिन के डालूँगी। जी, 1 टेबल स्पून जो होता है वो हमारा 15 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसे हम सर्व करके साइड पे रख देते हैं और बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। जी, इस पैन में मैंने 1 कप शुगर डाल दी है और 1/2 कप मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। इसको हम पकाएंगे। इस तरह से इसके फ्यू ड्रॉप्स हमने वाटर में ऐड करने हैं। थोड़ी देर के लिए ज़रा पड़ा रहे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये जेली की तरह बन गया। ये तो ये बिल्कुल रेडी है। जी, तो अब मैं इसके अंदर सॉफ की हुई जो जेलेटिन है वो मिक्स कर दूँगी और जेलेटिन को हमने अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है और साथ में मैं कार्डमम एसेंस डाल दूंगी जो कि 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से इसमें वो डिज़ोल्व हो गई है। जी, मैंने यहाँ पे शीशे की जो है वो डिश ले ली है और इसे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया। अब मैं ये सारा जो मैंने ये बनाया हुआ लिक्विड सा इसमें डाल दूँगी। तो फिर ये होगा कि आपने कम से कम भी इसे 3 से 4 घंटे रखना है। 3 से 4 घंटे के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। जी, तो जेली जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालना इसे है कि मैंने ऑयल जो है वो लगा ली अपने हाथों को अच्छी तरह से, हल्की सी चिपकेगी। जी, ये उतर गई है हमारी। जी, अब मैंने जिस छुरी से इसे काटना है मैंने उसको भी ग्रीस किया हुआ है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। जी, कुछ लोग तो इसके पर शुगर लगा लेते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो शुगर के बगैर ही पसंद करते हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी शुगर लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। जी, तो गमी कैंडी जो है वो हमारी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और साथ में प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से दूर रखे। हमें अपने दुआ में याद रखें। आप मुझे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।